ओके एवरीवन, सो माय नेम इज अवन ब्रो। आज अपन दोबारा से GTA 5 खेलने वाले हैं, ठीक है ना ब्रो। एंड यार ढक्कन बॉस भाई दिमाग खराब कर रखा है इसमें मेरा, ठीक है ना। तुम लोग एक बार आ जाओ या फिर बातें करते हैं। तो गाइस अभी तुम देख सकते हो 9:12 हो रहे हैं, ठीक है ना। GTA के अंदर अपन जो सेठ साहब है ना भाई 10 बजे से पहले उठते नहीं है, ठीक है। लेकिन आज भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, बिकॉज जो ढक्कन बॉस है ना भाई वापस से बच गया। मुझे पता है भाई उसके ऊपर ना मेरे को लगता है भगवान का हाथ, उसको मारना छोड़ देना चाहिए यार, ठीक है ना। वो भगवान का बंदा है भाई, उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या करें भाई, पूरा प्लेन ठोक दिया तब भी बच गया वो, उससे ज़्यादा तो क्या ही कर सकते हैं ब्रो। समझ में नहीं आ रहा मेरे को यार। तो अभी ना हुआ क्या, जब मेरे को पता लगी ये बात कि भाई ढक्कन बॉस बच चुका है, इसका मतलब यह है कि गाइस वो बिल्डिंग में कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब कि एल रूबी भी बच चुका है, मतलब कि लिबर्टी वाला फ्रेंड भी बच चुका है भाई, सब लोग बच चुका है, अपन लोग मरने वाले हैं, मेरे को फील आ रहा है, ठीक है ना। इस बार यार सभी लोग अगेंस्ट है ब्रो, अपने केवल केवल जो एक बंदा अपने साथ में वो है भाई बिग माफिया का जो भाई है वो, ठीक है ना। एंड अंडर ऑर्डर माफिया, ये दो बंदे अपने साथ हैं। एंड अभी है क्या ना एग्जैक्टली सीन, क्योंकि हमको लगा था अभी कि ढक्कन बॉस मर चुका है, तो यार ये बिग माफिया का जो भाई है ये नॉर्थ यंगटन पे कायो पेरिको पे कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। बट इसको मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रो थोड़ी देर थम जा, कभी भी वो आ सकता है, ठीक है ना। ढक्कन बॉस ने ऐसा पीटेगा भाई, सच बता रहा हूँ, तू भी भाग रहे वहां से, ओके। तो मैं उसको कॉल मिला रहा हूँ बट कॉल लग नहीं रहा है। तो मैंने फाइनली सोचा है ब्रो कि अपने को एक काम करना पड़ेगा, अपने को यहाँ से जाना पड़ेगा ब्रो एयरपोर्ट पर, इसलिए मैं साइड में खड़ा हूँ, ठीक है ना, एयरपोर्ट के। तो अपने को एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा। एंड एयरपोर्ट से गाइस कोई ना कोई अपने को प्लेन उठा करके चुरा करके कायो पेरिको जाना है भाई मेरे को इस बार यार। खोल दे ब्रो यार प्लीज, बहुत ही सही, चलो यार। तो अभी अपने को कायो पेरिको इसलिए जाना है ब्रो बिकॉज वहां पर ना मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, कि यहाँ वहां पर बिग माफिया का भाई जरूर होगा, बिकॉज तो वहां पे होगा, नॉर्थ यंगटन पे होगा, ठीक है ना। अब पास पे अपना कायो पेरिको पड़ता है, तो मैं वापस जाऊंगा एंड वापस जाकर उसको बोलूंगा ब्रो कुछ बता क्या करूं मैं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रही है कोई भी बात, मेरे को मतलब बिल्कुल डर है ब्रो यार, अभी कभी भी अपने ऊपर हमला हो सकता है, ठीक है। अपन घर कहां पे चेंज करें यार, ढक्कन बॉस के आदमी हर जगह फैले हुए हैं लॉस सैंटोस में, तो भी आगे का प्लान रहने क्या वाला है। माइकल भी फोन नहीं उठा रहा है एक तो, एंड ये क्या हुआ अभी अपने कुछ भी हो रहा है भाई, ठीक है ना। मेरे को सच्ची में डर लग रहा है, अब तो भूत प्रेत भी आ चुके लगता है लॉस सैंटोस के अंदर, ठीक है यार। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, और तुम देख रहे हो ये डेविन वेस्टन का हैंगर है, मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए बिकॉज ये भी अपना कोई खास दोस्त है नहीं अभी, बट कोई ना। एंड ओ भाई ये क्या हो रहा है, तुम देख रहे हो ब्रो पूरा का पूरा पेन और उल्टा पड़ा है क्या ये। अरे भाई ये मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे को, हो क्या रहा है आज यहाँ पे यार। यहाँ पे कोई प्लेन है क्या, कोई भी प्लेन नहीं है यार यहाँ पे आसपास। ओके एक हेलीकॉप्टर है, मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, ठीक है ना। वहाँ पे शायद वो बड़ा वाला प्लेन क्रैश हो चुका है, बट कोई ना, इस हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ेंगे ब्रो अपन, ठीक है ना। चलो अभी बैठते हैं इसके अंदर, बहुत ही सही। कोई देख तो नहीं रहा ना मेरे को लग तो नहीं रहा कोई देख रहा है मेरे को, ठीक है ना। अभी पुलिस भी नहीं है, इसका मतलब किसी ने देखा नहीं है। उड़ा 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 हेलीकॉप्टर को उड़ा ले, चल जल्दी चल जल्दी जल्दी चल। गाइस अपन फुल स्पीड में निकल चुके हैं, ठीक है ना, लॉस सैंटोस छोड़ करके कायो पेरिको की तरफ यार। वहाँ पे होपफुली बस वो बिग माफिया का भाई मेरे को मिल जाए ना, तो मजा आ जाएगा। मैं उसको सब बताऊंगा और पूछूंगा भाई आगे का प्लान करना क्या। एक तो माइकल भी फोन नहीं उठा रहा है मेरा, मेरे को ना गाइस अपने शोरूम की बड़ी टेंशन हो रही है कि शोरूम को क्या करेंगे भाई अपन यार, बिकॉज यार ढक्कन बॉस कभी अपने शोरूम पे हमला करवा सकता है। तो मेरे हिसाब से अपने को बंदी कर देना चाहिए, बट अभी देखते हैं अगर कोई नहीं, सबसे पहले तो अपने कायो पेरिको आइलैंड पहुंचते हैं यार। चलो चलो चलो, तो यार ये भी इतना दूर है नॉर्थ यंगटन, तो पहुंचते पहुंचते बहुत ही टाइम लग जाता मेरे को। ओके ब्रो, तो गिरते पड़ते हम लोग पहुंच चुके हैं कायो पेरिको, गिरते पड़ते तो क्या मतलब उड़ते उड़ते हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, कायो पेरिको आइलैंड पर यार। ये इतना बड़ा आइलैंड भाई, ऊपर से बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है ना, बट रियलिटी में भाई ये बहुत ही ज्यादा बड़ा आइलैंड है। ओके तो अपने को यहाँ पे लैंड कराना पड़ेगा इस हेलीकॉप्टर को। एंड यार मेरे को जेट का तो आइडिया था, मैंने हेलीकॉप्टर बहुत दिनों बाद उड़ाया, तो बस ठुके नहीं, मेरे को डर ही है, ठीक है ना। हम थोड़ा सा इसको ना आगे लैंड करवाते हैं, स्पीड अभी से कम कर लेते हैं अपन। चलो ओके गाइस, स्पीड हमने कम कर ली है इसकी, ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं इसको। भाई 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 भाई, बस बस बस, आराम से। ओके ब्रो फाइनली, तो गाइस फाइनली तुम देख रहे हो अपन ने हेलीकॉप्टर को लैंड करा दिया है यहाँ पर। एंड मेरे को समझ में नहीं आई एक बात यार, इसके टायर क्यों नहीं निकले भाई नीचे की तरफ से, मतलब एकदम से क्या हो गया, पता नहीं टायर टूट गया क्या हुआ भाई, ये रुका ही नहीं बिल्कुल भी। तुम देख रहे हो कितना बड़ा स्क्रैच आ चुका है इसके ऊपर यार, पता नहीं क्या हो गया। खैर कोई नहीं, अपन जिंदा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो थी, ठीक है ना। फाइनली हेलीकॉप्टर लैंड करा चुका हूँ मैं यहाँ से। एंड यहाँ से इनको कार कोई ना कोई तो कार रहती है ना, वो विंकी ये रही, ओके वो रही विंकी वाली कार, उसमें बैठ के गाइस चलते हैं, ठीक है ना। एंड मैं कायो पेरिको वैसे तो भाई बहुत बार आया हूँ, बट ये क्या चीज़ है भाई यहाँ पर। अच्छा तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ना कोई जो एमओ वगैरह होते होंगे जो छुपा के रखने पड़ते हैं, वो शायद यहाँ पर इसके लिए हैंगर बना रखा है, ठीक है ना, बिकॉज इतना सा गेट खोल रखा है, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सस्पिशियस एक्टिविटी होती है। बट कोई नहीं, अपने को देखो यहाँ पर टाइम नहीं खराब करना है, ठीक है ना, अपने को इस गाड़ी में बैठना है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा बद्दी कार है, बट कोई नहीं, अपन इस गाड़ी में बैठ के जाने वाले हैं गाइस। बहुत ही चलो, तो फाइनली अपने को कार मिल चुकी है। एंड यहाँ पर तुम देख रहे हो गाइस ये एल रूबियो का प्राइवेट जेट यहाँ पर ही है, इसका मतलब तो मेरे को लगता है भाई हो सकता है कि बिग माफिया का भाई भी यहाँ पर ही हो, बिकॉज वो लास्ट टाइम तो ना इसको लेकर ही गया था। ऑल्दो एक चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि ब्रो कुछ
दिनों पहले तो लॉस सेंटोस में था, ठीक है ना, कोई अलग से नए नए दोस्त बनाए थे उसने, पर पता नहीं सडनली उस बंदे को क्या हो गया यार, वो लॉस सेंटोस से भाग गया, ठीक है ना, बिना कुछ बताए भाई क्या प्लान है वगैरह। मेरे को तो लग रहा है कि उसको पहले ही पता लग चुका है, ठीक है, डक्कन बॉस जिंदा है यार। बट कोई नहीं गाइस, अपन फुल स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है ना, उसको बताने के लिए, खुशखबरी देने के लिए कि भाई अब तो तैयार हो जाओ। तो एलरू भी तैयार है भाई यार, वो भी ना सही हो चुका है बिल्कुल, मतलब वो भी जिंदा होगा अभी तो। यार मेरे को लग रहा है कि तो लोग थोड़े बहुत इंजर्ड होंगे, इसलिए अभी थोड़ा बहुत वो रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद भाई फुल प्लानिंग से हमला करेंगे अपने ऊपर, ठीक है ना, वो इसलिए अपने पास कुछ दिन ही है भाई, ठीक है, बच के निकलने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए, ठीक है यार। एंड तैयारी क्या ही कर सकते हैं भाई, उन लोगों की बहुत ही ज्यादा बड़ी फोर्स है यार। तो चलो गाइस यार, जल्दी से अपने को पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके घर पर। एंड एक ए भाई एक मिनट रुको ना, शायद यहाँ पर ही है क्या वो बंदा, रुको उसकी कार तो यहाँ पे खड़ी है। अरे भाई रुक यार, मैं भी उतरता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ऑलरेडी कुछ कार्स खड़ी हैं एंड बॉडी गार्ड भी है, उसका मतलब गाइस माफिया यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं 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 अरे तो अंडर वाटर माफिया है यार। एंड एक तो मेरे को एक बात बताओ, अंडर वाटर माफिया वाटर के ऊपर क्यों रहता है, अंदर रहा करना समझ में नहीं आता इसका। इससे बात करता हूँ भाई, यार तू क्या कर रहा है ब्रो, तालिया आलिया बाद में मारना भाई, अपन दोनों के बैट बजने वाले थे, जितने भी एप्स निकल रहे हैं ना मुक्के मार मार के अंदर डाल दिए जाएंगे, ठीक है, सच्चे बता रहा हूँ यार। एक तो भाई बंदे ने इतनी बॉडी बना रखे, कुछ काम हमेशा पिटता है, ठीक है ना, इससे बढ़िया अपन है भाई, जब लगता है सिचुएशन बिगड़ रही है तो भाग तो जाते हैं कम से कम यार, ये बेवकूफ है बिल्कुल ही। इससे मैं बात करता हूँ गाइस, ठीक है, इसको बोलता हूँ माफिया को कॉल वगैरह लगा भाई, कुछ भी कर यार, चलो यार। तो क्या स्माइली मैंने इसको बोल दिया, ठीक है ना, ये बोल रहा है ठीक है ब्रो मैं फोन लगाता हूँ। पहले तो उसने भाई अपनी बात पर यकीन ही नहीं करा था, मतलब ठीक है ना, मैं इसको बोला रियलिटी में बोल रहा हूँ, मजाक कोई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये बंदा मारा है, बोला मैं कॉल करके बोलता हूँ माफिया को यार, अभी देखते हैं गाइस, ठीक है, क्या बोलेगा और क्या पता लगता है भाई, फोन मिला यार जल्दी कर। तो गाइस फाइनली यार हम दोनों ने बात कर लिए, ठीक है ना, माफिया से मैंने भी बात कर लिए, थोड़ा दूर आके करी हमने, कभी बॉडीगार्ड को पता नहीं लग रहा चाहिए, ठीक है, थोड़ा दूर कुछ पर्सनल बातें हैं यार। तो हमने बात कर लिया भाई माफिया से, वो बोल रहा है तो टेंशन मतलब फ्रेंकली, पहले तो उसने भी अपनी बात मानी नहीं, ठीक है ना, मैंने बोला भाई सच्ची में यार, तो बोल रहा है उसको अरे भाई तू क्या मेरे को मार क्यों रहा है बेवकूफ। तो उससे अपने को बोल रहा था भाई कि यार उसने माइकल को कॉल करने की ट्राई करी, बट माइकल का फोन नहीं लगा रहा। एक तो पता नहीं अरे माइकल का फोन क्यों नहीं लगता है, पता नहीं 10 बार तो नए फोन खरीद लेगा तब उसके बाद भी फोन लगता है, ढंग का फोन खरीद माइकल यार। तो भाई कोई नहीं, उसका फोन लगा नहीं, तो मैंने कहा कोई नहीं, अब प्लान बता तू मेरे को, ठीक है। तो ये बोल रहा है देखिए यार, अभी तो ना वो खुद अपनी सिक्योरिटी तैयार करेगा, ठीक है, खुद के लिए जो पर्सनल बॉडीगार्ड ज्यादा बढ़ाएगा वो, मेरे को उसने बोला है कुछ दिनों के लिए तो अंडरग्राउंड हो जाए, ठीक है। एंड ये जो हरकतें कर रहा है ना अंडर वाटर माफिया, बहुत ही बुरा, मतलब पीट तो नहीं सकता हूँ तेरे को, ये दिक्कत है बस तेरी, ठीक है ना, वन ऑन वन नहीं पीट सकते हैं भाई इसको अपन यार, बॉडी वाला बंदा है यार। तो अभी अपने को ऐसे गाइस निकलना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी। उसने कहा ठीक है, अच्छी बात है तुमने को बता दिया यार, अभी वो ना मस्त नॉर्थ एंटर ना मजे कर रहा है, अब वो थोड़ा सतर्क हो चुका है। उसने कहा तू टेंशन मत ले, कायो पैरे का वगैरह का, तू एक काम कर, तेरा खुद का संभाल, ठीक है, तो तेरी गाड़ियां वगैरह संभाल, शोरूम वगैरह। मैंने उससे पूछा था भाई शोरूम को क्या करना है, उसने कहा कोई नहीं यार, तो तेरा शोरूम संभाल, 2 दिन के लिए कुछ दिनों के लिए बंद कर दे एंड उसके बाद अपन संभाल लेंगे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ गाइस निकल चुका हूँ, ठीक है, फाइनली। एंड अंडर वाटर माफिया को बाय बाय छोड़ो, बाद में कर लेंगे, ठीक है भाई। शोरूम की बात आ रही है, मजाक नहीं यार, तो जल्दी से अपने को ऐसे निकलना पड़ेगा गाइस। एंड जा रहा हूँ मैं यहाँ से अपने शोरूम पर यार, बिकॉज अपने शोरूम को बंद करने का समय आ चुका है भाई यार, उस पर अटैक नहीं होना चाहिए ब्रो, सच्चे बता रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली है यार। ऑल दो अपने शोरूम पे गाइस केवल केवल 2 कार्स खड़ी हुई हैं, शायद शंचनेरियो एक तो बिकॉज एक नहीं आ चुकी थी, ठीक है ना, एंड एक ऑलरेडी 918 खड़ी हुई थी यार। तो वो 2 कार अपने पास रखी है, इन दोनों कार को सेफ जगह पहुंचाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। उसके बाद भी अपन भी देखते हैं, क्या पता भाई मैं खुद भी लिबर्टी सिटी चला जाऊँ, देखता हूँ क्या रहेगा, एक बार यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं यार कैवे पेरिको के ना रनवे की तरफ, एंड यहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर यार, ये बेवकूफ लोग ना हेलीकॉप्टर बार बार पता नहीं कहाँ साइड में लगाते हैं, चोरी तो नहीं करते हो भाई तुम मेरे हेलीकॉप्टर की, ऑल तो मैं खुद चोरी करके लाता हूँ, बट यार फिर भी यार अभी कोई नहीं, ये वाला प्लेन से काम चलाना पड़ेगा, हर बार मेरे को इस भद्दे प्लेन को लेके जाना पड़ता है, ठीक है, बहुत धीरे उड़ता है भाई यार। बट इसके अलावा मेरे पास अभी ना कोई ऑप्शन भी नहीं है, तुम देख रहे हो अभी चलने चालू नहीं हुआ, जल्दी घूम भाई। अब जाके थोड़ा बहुत हिलना चालू हुआ है, एंड यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, इसको यहाँ से टेक ऑफ करा दूंगा, ठीक है ना मैं। चलो गाइस स्पीड पकड़ रहा है, 100 पकड़ चुका है, ठीक है ना, ऑलरेडी स्पीड, एंड ये बहुत अच्छी, लेकिन ये बहुत बड़ा वाला हेलीकॉप्टर है, इसे कोई मतलब नहीं जाने से। एंड यहाँ से हम टेक ऑफ कर देंगे गाइस, बहुत ही सही। तो देखा तुमने, अपन ने टेक ऑफ फाइनली कर लिया है, एंड अपन जा रहे हैं भाई अभी लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पर। या मैं सोच रहा हूँ अपन एक काम करते हैं, डायरेक्टली लैंड कराऊँ क्या, लेकिन उससे पुलिस को शक हो जाएगा खाम का। एंड अभी अपन बिल्कुल भी नहीं चाहते ऐसे कोई नाटक होना, एक तो मैं इसके साइड से लेता हूँ भाई, मिलिट्री का शिप है, इसके आसपास से लेना खतरे से खा लूंगी, ठीक है ना, ओके। अब साइड से मैंने प्लेन को ले लिया है, एंड अभी मैं जा रहा हूँ गाइस लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे वापस से, ठीक है ना, वहाँ से कार उठाएंगे एंड देन अपने शोरूम पे जाने वाला है अपन, ओके। तो गाइस फाइनली मैं लॉस सैंटोस की तरफ आ चुका हूँ, एंड मैंने एक चीज़ सोची, अपन एक काम करते हैं भाई, ये वाला प्लेन पानी में भी लैंड कर सकता है ना, तो हम एक ऐसी जगह लैंड करेंगे जैसे अपने को थोड़े बहुत ट्रक मिल जाए, ठीक है ना, एक ट्रक मिल जाए कहीं, दिख रहा है क्या अभी तक तो मेरे को ट्रक वगैरह दिख नहीं रहा है, बट मेरे को जितना पता है ना गाइस यहाँ पे ट्रक होते हैं यार हैंगर पे, यहाँ से एक भी नहीं है भाई, सब कंटेनर ही कंटेनर है यहाँ पे यार, किधर है ट्रक भाई, इधर है क्या कोई, ये वाला तो इनमें से ना ब्रो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन एक तो भाई कोई ना कोई मिलिट्री का भी एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पर भी ट्रक नहीं है,
एक वो जा रहा है गाइस रास्ते में है, लेकिन एक काम करता हूँ मैं इसको ना यहाँ पे लैंड करा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ना कोई ट्रक तो मिलना चाहिए यार। चलो गाइस फाइनली अपन लोग ना इसको इस पानी पे लैंड कराने वाले हैं। चलो ओके तो फाइनली मैं इसको लैंड करा दिया, अभी मैं उतरने वाला हूँ एंड देन उतर के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। फ्रैंकलिन भी ऊपर तैरो एंड ऊपर से पकड़ो इसको। अरे पकड़ ले भाई यार सीढ़ियों को। चलो ऊपर चल जाओ, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। ओके बहुत सही। एंड अबे तू कौन है, तेरे को तो कुछ कर ही नहीं रहा भाई। मैं तू मेरा फालतू में फोटो वोटो क्यों खींच रहा है? फोटो खींचेगा, दिमाग खराब कर रहा है यहाँ पे। फोटो खींच के मैं पता नहीं क्या करता फालतू, पुलिस को बताता मेरा नाम आता। मेरे को यहाँ पे ट्रक चाहिए, ठीक है ना, कोई सा भी ट्रक चलेगा मेरे को। कहीं है क्या ट्रक? अरे भाई पहले तो तेरी कार दे यार, कार से मैं ट्रक ढूंढूंगा, ठीक है ना। एंड जैसे ट्रक मिलेगा तो तेरी कार ले जाना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार। चलो गाइस फाइनली अपन निकल चुके हैं यहाँ से। एंड वो रहा ट्रक, आई थिंक मेरे को ट्रक दिख गया। ये है क्या? नहीं यार ये तो कंटेनर ही है बस। भाई 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 मेरे को ट्रक दिखा, मेरे को ट्रक दिखा सामने की तरफ देख रहे हो, वो रहा ट्रक। ओके फाइनली मेरे को ट्रक मिल चुका है ब्रो, यार बहुत ही सही। इस ट्रक में अपन दो कार इजिली लोड कर देंगे, अपने पास दो ही यहाँ से भी। ओके बहुत ही सही। ऑल्दो ये ना कार का ट्रक नहीं है, बट अपन दो कार लोड कर सकते हैं, कोई नहीं। सर जी एक बार आना, मैं बस ये ट्रक को लेकर जा रहा हूँ, कुछ पैसे आपको छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। एंड अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो गोलियां भी अंकल जी मेरे पास, ठीक है। हाँ अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से मान जाओ। ओके तो फाइनली गाइस अपन लोगों ने ट्रक ले लिया है, अब अपन फुल स्पीड में निकल चुका है यहाँ से अपने शोरूम के लिए। यार एक तो भाई मैं रॉन्ग साइड चल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं भिड़ूंगा, ठीक है ना। भिड़ते पाने में करूंगा मैं फिक्स ये भी बात। ओके मेरे को आराम से चलाना पड़ेगा थोड़ा सा ये। ऑल्दो ब्रो मेरे को लगा नहीं था यार कि अपने को बिग माफिया का भाई बोलेगा कि भाई फ्रैंकलिन थोड़ा सा ना कवर वगैरह ले ले, थोड़ा शांत रहे कुछ दिनों तक। मेरे को लगा वो बोलेगा अपन लड़ाई करेंगे यार, बिकॉज मेरे हिसाब से गाइस ये टाइम बेस्ट है, ठीक है ना। इस टाइम पर क्या है, जो डगन बॉस है और जो एलरोग उन्होंने प्लानिंग नहीं बनाई है। अगर अपन उन पर हमला करते हैं, अपन तैयार है इस बार, अगर अपन हमला करते हैं तो हो सकता है अपन जीत जाए भाई। अगर वो प्लान बना लेंगे ना दो तीन दिनों बाद तक यार, फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ब्रो जीतना उससे। बिकॉज भाई डगन बॉस जब तक ना बहुत ही ज्यादा आर्मी खड़ी कर देगा खुद की, यार आर्मी बोल रहा हूँ, गैंग में नहीं बोल रहा हूँ भाई, आर्मी खड़ी कर देगा। एल रूबियो भी साथ है इस बार तो यार भाई। इसलिए ब्रो मैं पहले ना दो तीन दिनों के लिए अपना शोरूम बंद कर रहा हूँ, मेरे को 1% रिस्क नहीं लेने का है भाई। धीरे धीरे तो प्रॉफिट आना चालू हुआ है, अभी $6,00,000 अपने पास में है। ऑल्दो तो अपन इजीली भाई महीने भर तक काम चला लेंगे, ठीक है ना, एक भी गाड़ी नहीं बेचे तब। ओके गाइस तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने शोरूम पर, ठीक है ना। ये रहा अपना शोरूम ब्रो, बट अभी मेरे को दिक्कत है कि गाड़ियों को मैं डालूंगा कैसे भाई इसके अंदर यार। हाँ हाँ एक चीज मैं तुमको बताने भूल गया भाई, मैं रास्ते में ट्रक चेंज कर लिया था, ठीक है ना यार। वो ट्रक थोड़ा सा मेरे को छोटा लग रहा था एंड वो ना थोड़ा अटेंशन ग्रैब कर रहा था, ये मेरे को ट्रक थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा ठीक लगा मेरे को, लगा ये आराम से ब्लेंड हो जाएगा, बिकॉज मेरे दिमाग में एक मस्त वाला आइडिया आया, ठीक है ना अभी। बट अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस कि मैं गाड़ियों को इस ट्रक के अंदर कैसे रखूं यार। इस ट्रक को मेरे को ना लगाना पड़ेगा टर्न करके फुल तरीके से। रुको एक मिनट, यहाँ से अपन से घुमाते हैं। ओके 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 आराम से सामने की तरफ लेना पड़ेगा अभी एंड देन वापस से पीछे, बहुत सही। ओके गाइस फाइनली तुम देख रहे हो अपन ने इसको काफ़ी ठीक ठाक लगा दिया है अपने ट्रक को। थोड़ी सी जगह ले रहा है रास्ते में, बट कोई नहीं तो चल जाएगी, ठीक है ना। अभी एक काम करते हैं गाइस, अपन एक एक करके ना अपन ट्रक को ट्रक के अंदर लोड करते हैं, ठीक है। कार को मेरे को रैंप भी चाहिए होगा एंड सबसे पहले तो मैं अपने जो मैनेजर है ना उसको ऊपर जाके बोल के आ जाता हूँ, ये रही। ओके तो इसको मैं बोल देता हूँ गाइस कि यहाँ पर अब से मत आना, ठीक है ना, कुछ दिनों के लिए शोरूम बंद रहेगा, मैं कॉल करूँ उसके बाद ही आना यार। सो गाइस फाइनली मैंने सबको भगा दिया है, ठीक है ना। ये बंदा भी भाग रहा है, बोल रहा हूँ भाई सर जल्द से निकलो, पुलिस आने वाली है, पुलिस आने वाली, सबको पकड़ेगी, ठीक है ना यार। ये लोग जा नहीं रहते भाई, मैंने फाइनली अपने यहाँ से भगा दिया सब लोगों को। अभी मेरे को एक रैंप लेके, अरे ऊपर भी बैठा है क्या, इसको भगाता हूँ। रुको एक मिनट, पहले मैं ट्रक का ना गेट खोल देता हूँ, उसके बाद में सब गाड़ी को रख देता हूँ यार एंड उसके बाद में मैं तुमसे मिलता हूँ। और फिर अपने को भाई ये बाउंसर को भी भगाना पड़ेगा, ठीक है, उनको बोलना पड़ेगा तुम भी यहाँ से निकलो यार, खामगा कभी भी हमला हो सकता है, ठीक है। चलो यार एक काम करता हूँ, गाड़ी को लोड करके तुमसे मिलता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैंने गाड़ी को लोड करा दिया भाई, दोनों की दोनों कार्स को, ठीक है। तुम देख रहे हो यहाँ पे दोनों की दोनों कार्स अपनी लोड हो चुकी हैं। वो रही एक आगे की तरफ भाई, बहुत ही अड़ाके हुई है। ये जो ट्रक था थोड़ा सा छोटा पड़ गया, बट कोई नहीं यार, इससे बड़ा ट्रक मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता, ठीक है ना यार। एंड भाई उसमें शक भी हो सकता था, ये ट्रक ठीक है, नॉर्मल ट्रक लगेगा, किसी को लगेगा भी नहीं गाइस कि इसके अंदर इतनी महंगे महंगे कार छुपा रखी है अपने, ठीक है ना। मजा ही आने वाला है। पहले ट्रक के अंदर बैठता हूँ, ये जो पीछे के गेट है इनको बंद करता हूँ मैं, ठीक है अभी। ओके एंड यहाँ से निकलता हूँ, है ना भाई। मैं तुमको एक चीज बताना भूल गया, मैंने बाउंसर्स को भी बोल दिया तुम लोग भी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, ठीक है ना। तो बोलना ठीक है सर हम शाम को जाएंगे, अभी उनको लेने के लिए कोई कार आती है, सब लोग एक जगह से आते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कोई नहीं अभी अपने को निकलना पड़ेगा। भाई कितनी भीड़ कर दी है, अबे चलो ना, क्या हो रहा है, ये कुछ चल क्यों नहीं रहा, मेरे को निकलना है भाई यहाँ से जल्दी से। हटो हटो एक मिनट रुक जाओ सर, मेरे को निकलने दो प्लीज। हाँ ओके आराम से अटना नहीं चाहिए भाई, गाड़ियाँ रखी हैं पीछे, ठीक है ना, आराम से। ओके बहुत सही बहुत सही। ओके फाइनली अपन लोग यहाँ से निकल गए गाइस। अभी मेरे को एक दिक्कत है कि मैं इस ट्रक को रखूँ तो रखूँ कहाँ पे, ठीक है ना। मेरे को ऐसी जगह रखना है
जहाँ पे गाइस किसी का भी शक नहीं जाए, ठीक है ना यार। या तो मैं इसको हार्बर पर रख सकता हूँ बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रक खड़े होते हैं, बट उससे मेरे को थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है वो जगह, ठीक है ना, बिकॉज वहाँ पे चोरी चकोरी भी काफी होती है यार। मेरे को सेफ जगह रखना पड़ेगा भाई इस ट्रक को। किधर रख सकता हूँ मैं इसको? कोई तो पार्किंग होगी ब्रो ऐसी जहाँ पे मैं इस ट्रक को इजिली पार्क कर सकता हूँ, किसी का शक भी नहीं जाए। और तो ब्रो मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है ना, इसको एक रखने का। मेरे को एक मस्त जगह पता है, अभी मेरे को याद आई है। ओके, यहाँ से अपने को टर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना ब्रो। यहाँ पर एक पोर्ट टाइप की चीज है, ठीक है ना, वहाँ पे अपन रख सकते हैं इजिली इस ट्रक को, किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा भाई यहाँ पे, ओके ना। एंड यहाँ पर मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा छुपा कर रखता हूँ उसको, ठीक है ना, पीछे की तरफ रखूँ या फिर ऐसे नॉर्मल पार्क कर दूँ? देखो तुम गाइस, यहाँ पे काफी ना हेलीकॉप्टर भी पार्क होते हैं, गाड़ी भी महंगे महंगे पार्क होती है, तो मेरे हिसाब से सही है, किसी को शक होना चाहिए नहीं वैसे। एंड अपन इसको फिर भी थोड़ा छुपा के रख देते हैं, चलो। तो गाइस फाइनली मैं इस ट्रक को ना यहाँ पे पार्क करने वाला हूँ, ठीक है ना। मेरे को नहीं लगता किसी का भी शक यहाँ पे जाएगा, सबको लगेगा कि कोई नहीं यार। एंड वैसे भी भाई वो कौन सा यार एक एक ट्रक को चेक करने वाला है, ठीक है ना। डगन बॉस को तो पता भी लगेगा कि अपनी कार का, उसको लगेगा इसके पास कार थी नहीं कभी भी। ओके, तो अपन इस ट्रक को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। ये बंदे आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको अपन थोड़ा सुलझा देते हैं। काम करता हूँ भाई, बंदूक दिखा रहा हूँ फिर भी नाटक हो रहा है, खत्म हो यहाँ से बगे यहाँ से। एंड यहाँ पर आंटी थी वो भी चले गए, ओके अभी कोई दिक्कत नहीं, किसी ने देखा तुमने देख लिया क्या यार? और कूद जाओ पानी में, कूद जाओ, चलो पानी में बॉडी रह जाएगी, चलो सही है यार इनकी। ओके, तो अभी ठीक है, अभी इनको पर शक नहीं जाएगा, ठीक है ना, कोई नहीं। अब एक काम करता हूँ, उस बॉडी को ठिकान लगाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस वगैरह देख लेगी, इसको भी पानी में पटक देता हूँ, सही रहेगा। तो गाइस फाइनली अब इसको धक्का देता हूँ, ठीक है ना, मैं पानी के अंदर, जा भी अंदर की तरफ। ओके, बहुत ही सही गाइस, इसकी बॉडी भी चली गई, ठीक है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी सब सेफ है, ठीक है। फालतू में यार ये बीच में पंगा लेने आ गया था अपने से, अभी अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस। एंड मेरे पास ट्रेवर फोन क्यों आ रहा है भाई, रुको ना एक मिनट। ओके ब्रो, फाइनली मेरे ड्राइवर से बात हो गई है, ठीक है। ड्राइवर बोल रहा है मेरे को बहुत जल्दी देर से मिलना है फ्रैंकलिन, जल्दी से जल्दी है, इमरजेंसी है। बट ड्राइवर अपने को जनरली कॉल तो नहीं करता है, बट अभी उसने बोला है तो कोई ना कोई जरूरत जरूर होगी, ठीक है ना। उसको अपने को निकलना पड़ेगा यहाँ से, वाली गाड़ी अपन चुरा लेते हैं। ऑल दो यहाँ पे लोग खड़े हैं, वो देख रहा है मेरे को। सर जी आप थोड़ा मुड़ जाओ उधर। अरे मुड़ जा रहे हैं, नहीं तो गोलियां खाएगा अभी। ओके, वो पीछे की तरफ मुड़ चुका है, ठीक है ना। अभी अपन चोरी छुपे आराम से इस गाड़ी को लेते हैं। आवाज मत करियो गाड़ी, प्लीज प्लीज आवाज नहीं। बहुत ही सही गाइस, बहुत बढ़िया। ओके, अभी देखो उस बंदे को शक भी नहीं हुआ जरा सा, बिकॉज अपनी कार ने आवाज़ नहीं करी है, उसको लगा यही मालिक होगा, बट कोई नहीं। अभी तो मार्क देख रहे हो मैप में, वहाँ पे अपने को जाना पड़ेगा भाई ड्राइवर से मिलने, ठीक है ना। वो पता नहीं क्यों बुला रहा है मेरे को यार। तो देखो गाइस यार, डगन बॉस ने अपने को नुकसान कर सकता था शोरूम से, वो तो मैंने सही कर दिया, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट चीज जो मेरे को सही करने की है वो है कि भाई मेरी जो पर्सनल कार है उनको और एक बार मैं ठिकाने पर रख दूँ, फिर अपन उसको मारने के लिए तैयारी कर सकते हैं डगन बॉस से, ठीक है ना। एंड मैं ड्राइवर से भी बात कर लेता हूँ, उसको बोल देता हूँ, क्या पता इसको पता नहीं हो भाई डगन बॉस के बारे में। किधर है ट्रेवर? ये रहो के ट्रेवर भाई, ये रहा मैं आ गया, देखा कैसा है ट्रेवर अंकल जी, आजकल दिखते ही नहीं हो यार, कहाँ पर रहता है भाई, क्या हो गया, क्यों बुलाया तूने मुझको, बता नहीं, जल्दी जल्दी बुलाया भाई, बिल्कुल आ जल्दी, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को पता चला, आराम से बता, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इस बातें ना अपन थोड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, तो मैं इस कार को अभी पार्क कर देता हूँ। ओके, एंड अब मेरे को बता भाई आराम से, ठीक है ना, यहाँ पे अपने गाड़ी को रखते हैं। ओके, अब बता भाई ड्राइवर ब्रो, अब बता क्या हुआ आराम से, ठीक है ना। चलो गाइस मैं एक बार ड्राइवर से पूरी बातें सुनता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ यार। तो गाइस फाइनली मेरी ड्राइवर से बात हो गई है भाई, बहुत ही बड़ी वाली दिक्कत आ चुकी है, ठीक है ना। अभी दिक्कत ही आ चुकी है ब्रो की, एक्जैक्टली यार माइकल जो है, अपन सोचे थे फोन क्यों नहीं लगा, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। रीजन उसका ये दिया है भाई इसने ड्राइवर ने कि माइकल खुद चल रहा था वो अरेस्ट हो जाए, ठीक है ना, बिकॉज सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं यार। उसको किडनैप भी करा था कुछ लोगों ने, एंड उनका नाम है भाई लिबर्टी वाला फ्रेंड ने एंड मार्टिन मद्राजो के बेटे ने, ठीक है ना। तो भाई काफी लोग उसके पीछे पड़े, अपनी कोई खास इतनी दुश्मनी है नहीं, ठीक है ना, किससे, बिकॉज अपन इतने इन्वॉल्व नहीं थे इन सब चीज़ों में, बट माइकल था तो मैंने कहा ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, जब माइकल अपने को हिंट देगा ना उसको निकालना है, अपन निकलवा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट अभी यार अपने को क्या करना है, माइकल के पास तुम्हें पता हो तो दो गाड़ी चोरी हो गई थी उसके, ठीक है ना, उनमें से एक तो भाई बहुत ही बड़ी लिमोजिन थी एंड एक थी विंटेज कार। तो अपने को गाइस वो कार ढूंढने की है, ठीक है, ड्राइवर बोल रहा है वो कार ढूंढ दे उसकी यार, बिकॉज हो सकता है डगन बॉस गाड़ी को फोड़ के बहुत ज्यादा बड़ा धमाका करते हैं, उसके पास वैसे भी $1,000 बचे हुए, ठीक है, ज्यादा पैसा है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है यार गाड़ी ढूंढनी, वैसे भी देखो अपना काम सारा हो चुका है, अभी अपन दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हैं गाइस। तो फाइनली अभी हम दोनों निकलेंगे गाड़ी ढूंढने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली वो गाड़ी चोरी हुई है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, हो सकता है वो गाड़ी चोरी हुई है, तो मैं पक्का ही देखो जो भी गाड़ी चोरी करेगा ना वो बंदा जाएगा कहीं ना कहीं, उसको लगा होगा कि GPS ट्रैकर वगैरह हो सकता है इतनी बड़ी कार में, तो हो सकता है गाइस वो बुल्ला के पास जाए या पैनी के पास जाए, या फिर हो सकता है वो खुद का खुद ही जानता हो तो भाई खुद ही GPS वगैरह हटा दे, ठीक है ना, बिकॉज माइकल ने GPS लगवा रखा था कार के अंदर। तो सबसे पहले मैं बुल्ला को कॉल करके पूछता हूँ कि क्या उसके पास कोई बंदा आया था कि लिमोजिन लेकर के, ठीक है, विंटेज कार, ऑल्दो यार दोनों कार बड़ी रेयर है तो शायद उनको याद हो, तो मैं पूछता हूँ बुल्ला से, रुको एक मिनट, यहाँ पे अपने गाड़ी पार्क कर दी है।
ब्रो फाइनली बुल्लाओ से बात हुई, उसके पास तो कोई नहीं आया था, लेकिन अपने को एक हिंट मिल चुका है गाइस, वो है बैनी का, ठीक है ना। बैनी के पास में एक बंदा आया था लिमोसिन लेकर के, एंड जैसे वो बता रहा था ना लिमोसिन ऐसी थी, वैसे सुन के पक्का लग रहा है कि गाइस वो लिमोसिन ना माइकल की थी। तो अपने को भी क्या करने का है ना गाइस, तो अभी अपने को जाने का है गाइस बैनी के पास में, ठीक है ना, बिकॉज बैनी को पता है एग्जैक्टली बंदा कहाँ पे गया। फोन पे अपन बात नहीं करेंगे इन सब के बारे में, अपन पर्सनली मिलेंगे बैनी से, ठीक है ना, पूछेंगे भाई विंटेज कार के बारे में, बिकॉज उसका मैंने उससे नहीं पूछा था। चलो अभी जल्दी से भागते हैं, निकलते हैं यहाँ से। भाई इतनी तेज भाग रही है भाई ये कार यार, हल्का हल्का सा बच रहा है यहाँ पर। ओके ब्रो, तो यहाँ से अपने को टर्न करना है, यहाँ पर है बैनी की शॉप, ठीक है ना, ये रही बैनी दोस्त की दुकान। एक काम करो अंदर की तरफ कार को लेकर चलते हैं, हम आ चुके हैं ब्रो बैनी के शोरूम पर। चल उतर भाई ड्राइवर, अभी पूछते हैं बैनी से, ठीक है ना, इसको एग्जैक्टली क्या क्या पता है भाई गाड़ी के बारे में। बैनी ब्रो इधर हूँ मैं, इधर उधर क्या देख रहा है और सुना क्या चल रहा है आजकल बैनी भाई, वो गाड़ी के बारे में बता, ठीक है ना, सुना ना तो कुछ मत चल। तो भाई बैनी से फाइनली बात हो चुकी है, ठीक है ना, ये बोल रहा है जो बंदा आया था लिम्बोजिन लेकर के, वो आया था कि भाई उसको लिम्बोजिन में गन्स लगवानी थी, ठीक है ना। अब गन्स लगवाना क्यों चाहता है भाई, वो कार क्या है, वो भी लिम्बोजिन जैसी कार में, ये बोल रहा था उसको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोटेक्शन लगवाने थे, शील्ड लगवाने थे, कुछ गन्स लगवाने थे गाड़ी के अंदर, फुली प्रिपेयर करवाने थे। तो भाई मेरे को ऐसा शक जा रहा है कि इतनी गाड़ी तैयार कराने वाला शायद कार को अरिना वॉर की तरफ ले जा सकता है, ठीक है ना, बिकॉज वहाँ पर ये सब कार काम में आती थी, सड़कों पे चलाना अलाउड नहीं है, ठीक है ना, जिसमें कार में गन्स लगी हो तो वो और तो क्या ही काम मिलेगा यार, कार में शील्ड भी लगवाना है उसको, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस बनता है भाई अरिना वॉर का, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ अपन एक काम करते हैं, पहले अरिना वॉर जाके आते हैं, ठीक है, क्या पता अपने को वहाँ पे गाड़ी का आइडिया मिल जाए, ठीक है ना, वहाँ पे गाड़ियाँ मिल जाए। चल भाई ड्राइवर थैंक यू बैनी यार, बट अभी ना विंटेज कार के बारे में बैनी को कुछ भी नहीं पता है, बोल रहा भाई उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो अभी कोई नहीं, अपने को कम से कम लिम्बोजिन के बारे में तो पता लगा। अभी मैं जा रहा हूँ ऐसे गाइस सीधा अरिना वॉर की तरफ, ठीक है ना, वहाँ पर जाकर देखते हैं भाई कौन है आखिरकार वो बंदा, मतलब अगर अरिना वॉर में अपने को या तो होगा उसकी कार मिली जाएगी, ठीक है ना, वो लिम्बोजिन। अगर कार नहीं मिली तो हो सकता है भाई कुछ बंदे अपने को बता दें कि गाड़ी कभी आई थी कि नहीं आई थी अरिना वॉर में, एंड ये रहा अरिना वॉर, ठीक है ना, बिल्कुल भी दूर नहीं था, जस्ट पास में ये बैनी की दुकान से। तो यहाँ से अपने को सबसे पहले तो भाई यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो अपनी कार को जो है यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, ठीक है ना, साइड में। आ जा भाई ड्राइवर आ जा, अंदर चलते हैं अपन अरिना वॉर के, यार देखते हैं भाई बहुत दिन हो गए, ठीक है ना, गए जाके देखते हैं यार। चलो तो गाइस फाइनली हम दोनों आ चुके हैं, ठीक है ना, मैं और ट्रेवर आ चुके हैं। ट्रेवर भाई यार बाहर निकल जाएंगे, रुकना यहाँ पे, पूछ तो ले भाई, ये मान ही रहे, बोल रहा है यहाँ पे हो नहीं सकती कार, बोल रहा रुक जा यार। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं गाइस बड़े दिनों के बाद अरिना वॉर में, ठीक है ना, काफी कम लोग लग रहे हैं, शायद सीजन नहीं चल रहा अब, इसलिए मैं किससे पूछूं भाई, आप इससे पूछता हूँ, ठीक है ना, फोन पे बात कर रहा है भाई, क्या बता, देखा हो सर जी बात सुनो ना मेरी, भाई इससे मैंने बात करी, ठीक है, बोल रहा है लिम्बोजिन आई तो थी एक, मैंने उसको बोला भाई चोरी की लिम्बोजिन, मेरी गाड़ी चाहिए वापस से, ये बोल रहा है, उसके बाद भाई पलट गया, ठीक है ना, बोल रहा नहीं नहीं ऐसी कोई लिम्बोजिन तो आई नहीं है, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है भाई, ठीक है ना, इन बंदों को पर सब बंदों ने गन निकाल रखी है भाई, एंड ऑल द इसकी बार तुम देख रहे हो ब्रो, वहां पे क्या हो रहा है ब्रो, वहाँ पर पूरे के पूरे लाश पड़ी है भाई, ये क्या हो रहा है, मेरे को ना ब्रो डाउट हो रहा है इन लोगों के ऊपर ना, मैं एक बार वापस पूछूं क्या, काम करता हूँ गाइस, मैं उस उन लोगों से पूछ के आता हूँ, शायद वो लोग तो ऐसा लग रहा है आप काम करते होंगे, ठीक है ना, तो उससे पूछ लेता हूँ मैं एक बार। सर जी अपने को ये चाहिए थी कुछ कार, आपने देखी होता ऐसा, भाई लिटरली बता रहा हूँ कोई भी कुछ नहीं बता रहा है, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जल्दी से बाहर निकलो नहीं तो हमको एक्शन लेने पड़ेंगे। भाई किस बात का एक्शन यार, पार्किंग में तो आ ही सकता हूँ ना, क्या पता मेरे को कार खरीदनी, ऐसा क्या हो गया भाई यार, समझो मेरे कुछ आ नहीं रहा, ठीक है ना। ड्राइवर किधर गया, ड्राइवर भाई कुछ लफड़ा लग रहा है, मेरी बात सुन एक बार तू इधर, ओ भाई इसके पर रुको 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 रुको, अबे क्या है ये एकदम से, भाई ड्राइवर तू बच कवर ले कवर ले कवर ले, की बारह तू मारोगे हमको, भाई अपने पे हमला करा इन लोगों ने, तुम देख रहे हो एक बार खत्म, एक को तो कोई बच रहा है क्या, कोई बच रहा है, कोई और बच रहा है, ये बंदा बच रहा है। सर आप सही हो ना, मेरे को लड़ना है का नहीं है, ठीक है ना, मेरे को मेरी गाड़ी बता दे चुपचाप, नहीं तो बहुत बुरा मारूंगा, ठीक है ना, मेरी गाड़ी किधर है, गाड़ी चाहिए मेरे को मारना नहीं तो, ठीक है ना, गाड़ी बता चल किधर है। ओ भाई तेरी पूछ रहा हूँ गाड़ी किधर है, समझ में नहीं आ रहा तेरे को, हाँ जब से पूछ रहा हूँ एक बात को, भाई यार इस बंदे को मारा है, मेरे को लगता है ना इस बंदे के, मतलब एक काम करते, मेरे को फोटो खींच के भेजता हूँ उस बंदे का, फोटो खींच के भेजूंगा, इसका फोटो खींच के गाइस अपन लेस्टर को भेजेंगे, ठीक है ना, बिकॉज मेरे को डाउट है, हो सकता है ये बंदा कुछ गाड़ी आड़ी लाया हो, भाई मेरे को गाड़ी मिल नहीं रही यहाँ पे यार, लेकिन मेरे को लग रहा है गाइस डाउट है मेरे को, ठीक है ना, कार यहीं कहीं होनी चाहिए थी। एक काम करते हैं अपन ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं, ठीक है ना, क्या पता वीआईपी लॉन्ज में रख रखी है उन लोगों ने कार को। ओके ब्रो एक मिनट रुको ना, ये आपस में लड़ाई चल रही है यार यहाँ पे, भाई तुम देख रहे हो मेरे को लग रहा है लोगों ने साउंड प्रूफ कमरा बना रखा है, भाई लिटरली बता रहा हूँ आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तू कौन है, तू निकल यहाँ से, चल कौन कौन है भाई यहाँ पे, कितने बंदे हैं, एक मिनट रुको, फाइनली ब्रो फाइनली मेरे को अपनी लिमोजिन मिल चुकी है, ठीक है, तुम देख रहे हो कोई है क्या, कोई और थोड़ी बच रहा है ना, एक मिनट रुको मैं देख लेता हूँ इधर उधर भी, ओके कोई भी नहीं बच रहा, एक मिनट रुको, कौन है भाई, ये ले मार खा, भाई कितनी कम आवाज आ रही है मेरे को इस फ्लोर पे, भाई ऐसा क्या है, बिल्कुल भी गोलियों की आवाज ही नहीं आ रही है, तुम देख रहे हो भाई,
देखो लोहे की आवाज प्रॉपर आ रही है बट बंदूकों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है यहाँ पे। ये देख रहे हो लोहे के भाई लफड़ा लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। इन्होंने कुछ तो ऐसा कर रखा है ब्रो, कितने बंदे हैं फालतू में यहाँ पे यार। एंड फाइनली अपनी कार मिल चुकी है, बट मेरे को जितना याद है भाई ग्रीन कलर में नहीं थी बिल्कुल भी कार यार। कोई तो जिंदा होगा, एक मिनट रुको इस बंदे को पूछता हूँ भाई। ए हेलो हेलो सर जी सर जी, तो क्या तुम देख रहे हो उस बंदे को थोड़ा बहुत होश अभी भी है, ठीक है ना भाई। एक काम कर देख, जितना तेरे को याद आएगा ना उतना सही रहेगा, ठीक है। मेरे को जल्दी से सारी चीजें बता दे भाई, मरने वाला मेरे को लग रहा है यार। तो गाइस फाइनली मैंने इस बंदे से सारी चीजें पूछ ली है, ठीक है ना यार। ये बता रहा था कुछ ही बातें बता पाया, अपने को बोला था विंटेज कार भी थी यहाँ पे, ठीक है ना। इसको ये नहीं पता कौन लेके आया, लेकिन इसको मॉडिफाइड काम दिया हुआ था, इसने पेंट वगैरह चेंज कराया इस कार पर। भाई कौन ला सकता है यार इन सब कारों को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा जिसके इतने बॉडी गार्ड्स हैं ब्रो। तुम देख रहे हो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होगा, इतने बॉडी गार्ड किसके होते हैं भाई यार। हल फ्लोर पे बॉडी गार्ड है, पता नहीं तो क्या टेक्निक है, आवाज़ ही नहीं आ रही है बंदूक की बिल्कुल भी। बट कोई नहीं, जो भी है जैसा भी है गाइस, अपने को ना अभी कुछ ना कुछ तो पता लग चुका है। मैं काम करता हूँ, लिमोजिन लेके निकलता हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ से इस लिमोजिन को लेकर बाहर निकला है, मेरे को नहीं पता बाहर क्या हो रहा होगा भाई। ड्राइवर तो बाहर भाग चुका है, ठीक है ना। तो खत्म करते हैं इसको गाइस, आई होप दैट लाइक कमेंट करके जरूर बताना कौन है भाई बंदा जो चोरी करने के ट्राई कर रहा है, ठीक है ना। खत्म करते हैं इसको गाइस, #Game over.